आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पनीर सेसमन पकोड़ा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए गैस पर रखेंगे पैन और उसमें 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल को लो मीडियम फ्लेम पर 1 सेकंड के लिए रोस्ट करके बोल में शिफ्ट कर लेंगे। अब इसमें 1 प्याज लंबा कटा हुआ, 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डालेंगे, 2 उबले हुए आलू को मैश करके डालेंगे, 1/4 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक स्वादानुसार। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। अब इसे अलग रख लेंगे। अब गैस पर रखेंगे पैन और उसमें ऑयल गरम होने के लिए रखेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाकर और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर थोड़े थोड़े मैश को उसमें डीप फ्राई करना है। एक साइड ब्राउन होने के बाद दूसरी साइड को टर्न करेंगे। लीजिए हमारे टेस्टी और क्रिस्पी पनीर सेसमन पकोड़ा बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।